ध्यान में रखते हुए मैं एक मिक्सर की रिव्यू दिखाऊंगा। पहले मिक्सर को ऑफ करना है, उसके बाद जार को खोल के जार के अंदर से थोड़ा मसाला कम करना। 10 साल का सर्विस आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। कौन सा कॉयल है, कॉपर कॉयल है या एल्युमिनियम कॉयल? जीरा एकदम अच्छी तरह से यहाँ पे डस्ट हो चुका है। देखिए अभी जूस तो बन रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग देखो, मतलब जूस तो बन रहा है लेकिन अंदर में जो ब्लेड रहेगा, ब्लेड में आप लोगों को वारंटी नहीं दिया जाएगा। कृपया आप मेरे हिंदी के लिए थोड़ा माफ कीजिए, क्योंकि मेरा जो हिंदी है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो मातृभाषा है वो है बंगाली, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में बता पाऊँ। तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों क्या आप लोग एक मिक्सी खरीदने के लिए सोच रहे हो, तो कौन सी खरीदा जाए, कौन सा ब्रांड खरीदे? प्रेस्टीज खरीदे, बजाज खरीदे, हैवेल्स खरीदे या सुजाता खरीदे? कितना वाटेज का खरीदे? खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों को कैसा मिलेगा? मतलब ऐसा ही बहुत सारी सवाल आपके दिमाग में चलता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक मिक्सर की रिव्यू दिखाऊंगा, और इसके साथ इस मिक्सर के बारे में डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मतलब डिटेल शेयर मतलब ऐसा तैसा नहीं, इसे मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें मसाला जूस करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसका जो प्राइस रेंज है फिलहाल तो अभी ये 3,500 से 3,600, 700, 800 के बीच आप लोग इसे इजीली बाय कर सकते हैं। तो इतना पैसा देके इस मिक्सी को खरीदना क्या सही है या गलत, उससे भी जरूरी बात, प्रेस्टीज ब्रांड में सर्विस को लेके एक नया अपडेट आया है, ये भी मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके भाई आप लोगों के लिए ऐसा ही होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। सो दोस्तों पहले आप देखो यहाँ पे ये है प्रेस्टीज रीगल मिक्सी का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप लोग ISI मार्क है, और सबसे जरूरी बात ये है मेड इन इंडिया, मतलब ये अपना देश का ही सामान है। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की जो MRP दिया गया है 5945। तो दोस्तों बॉक्स में सबसे पहले जो मिलेगा वो है एक मिक्सर, और उसके साथ यहाँ पे देखिए एक आपको दिया जाएगा जूसर जार, इसमें आप जूस वगैरह बना सकते हो, और यहाँ पे देखिए एक दिया जाएगा चटनी जार, इसमें मसाला आप लोग कर सकते हो, और उसके साथ यहाँ पे एक ड्राई ग्राइंडिंग जार दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक वेट ग्राइंडिंग जार दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिक्सर की बॉडी, ये है मिक्सर की बॉडी, बॉडी के ऊपर यहाँ पे प्रेस्टीज ब्रांडिंग, यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया गया है, तीनों स्पीड यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, और ये है मिक्सी के नीचे की लुक, यहाँ पे 4 रबर स्टैंड दिया गया है ताकि ये बिठाने में मतलब बिठाने के बाद ये कहीं पे स्लिप ना हो। देखिए यहाँ पे ये एकदम अटक जा रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा शायद सुन पा रहे हैं इसका जो ग्रिप का साउंड है, ठीक है। तो इसका जो बॉडी है एक प्लास्टिक का बॉडी है, मतलब बहुत हार्ड है। इन सभी बारे में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि इसका क्वालिटी खराब है, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और इसका क्वालिटी भी बहुत ठीक ठाक लग रहा है। नीचे यहाँ पे एक ओवरलोडिंग स्विच दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी मसाला करने के टाइम कोई कोई क्या करता है कि इसमें इतना अगर इसका कैपेसिटी है इतना, इसमें एकदम भर के मसाला दे देता है, उसके बाद क्या होता है मिक्सी चलते चलते बंद हो जाता है। तो तभी आप लोगों को क्या करना है, पहले मिक्सर को ऑफ करना है, उसके बाद जार को खोल के जार के अंदर से थोड़ा मसाला कम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो स्विच दिया गया है ओवरलोडिंग स्विच, इसे प्रेस कर देना है। ये ओवरलोडिंग अगर ओवरलोड हो गया ना, ये बाहर निकल के आ जाता है इसका जो ये पिन है, और अगर आप लोग तब इसको पुश कर दोगे तो ये फिर से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक का कफलिंग दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर 3 पिन प्लग यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 56 या 57 इंच आप इसे समझ लो, 57 इंच का यहाँ पे आप लोगों को वायर दिया जाएगा। ये है चटनी जार, चटनी जार में ऊपर में एक प्लास्टिक का बहुत ही टाइट, इसमें अगर आप लोग कोई भी लिक्विड, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा लिक्विड इसमें मसाला करोगे तो वो निकलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक का अनब्रेकेबल यहाँ पे कैप दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे एक वॉशर भी दिया गया है ताकि मसाला लीक ना हो। और ये स्टेनलेस स्टील का जार, ये जार भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे 2 ब्लेड दिया गया है, ठीक है। ये है प्लास्टिक का सॉकेट नीचे, और यहाँ पे है प्लास्टिक का कफलिंग, तो इसे भी मैं फिलहाल रखता हूँ साइड में। एक्चुअली ये जो जार है इसका कैपेसिटी है, मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, वारंटी के बारे में बाद में आ रहा हूँ। ये 500 ml का आपको चटनी जार दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है ड्राई ग्राइंडिंग जार, इसका भी सेम टू सेम आपको प्लास्टिक का एक ढक्कन मिलेगा अनब्रेकेबल, और यहाँ पे जैसे कि रबर गस्केट दिया हुआ है ताकि ये लीकेज ना हो, स्टील बॉडी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया गया है।
तो चार ब्लेड दिया गया है और यहाँ पे प्लास्टिक सॉकेट दिया गया है, उसके साथ प्लास्टिक कपलिंग। सभी जार में आप लोगों को प्लास्टिक सॉकेट ही मिलेगा। इसका कैपेसिटी है 1100 ml और उसके साथ वेट ग्राइंडिंग जार का जो ढक्कन है ये ट्रांसपेरेंट फाइबर का है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ढक्कन दिया गया है। समझ लो इसमें पानी थोड़ा कम हो गया है तो पूरा ढक्कन ना खोल के आप इसे थोड़ा निकाल के यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा करके पानी आप लोग दे सकते हो। यहाँ पे चार ब्लेड दिया गया है अंदर में भी, ठीक है, प्लास्टिक सॉकेट और प्लास्टिक कपलिंग, और पकड़ने के लिए एक हैंडल भी यहाँ पे दिया गया है। जार का जो कैपेसिटी है वो है 1500 ml। पैसा वसूल जो चीज है वो है आपका ये जार। आपको जूसर खरीदने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ही आपका जूस का काम बन जाएगा। प्लास्टिक ढक्कन के साथ ये एक कप सा दिया गया है जूस पीने या निकालने के लिए शायद, और ये है स्ट्रेनर, प्लास्टिक बॉडी है, स्टील स्ट्रेनर दिया गया है, मतलब स्टेनलेस स्टील, ताकि जूस यहाँ से छान के बाहर आ जाए, आपको बताता हूँ मैं बाद में। और ये है जूसर की बॉडी, ये फाइबर बॉडी है, नीचे भी प्लास्टिक सॉकेट के साथ प्लास्टिक कपलिंग, यहाँ पे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे देखिए एक स्पैचुला दिया गया है, यहाँ से मसाला थोड़ा ऐसे करके निकाल सकते हो और अंदर में जो ब्लेड है ब्लेड को भी आप थोड़ा इसको देख के चेंज कर सकते हो, लेकिन ये वाले ब्लेड आप चेंज नहीं कर सकोगे। यहाँ पे जो ब्लेड दिया गया है इसको आप लोग खोल के अल्टरनेट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 2 साल की वारंटी दिया जाएगा। 2 साल में अगर इसमें कोई भी इशू आ रहा है तो आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है, आपको फ्री में सर्विस मिल जाएगा। और 2 साल के बाद और 8 साल, अभी जो प्रेस्टीज का सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो है 10 साल का सर्विस आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। चाहे कोई प्रोडक्ट में 1 साल की रहे, चाहे कोई प्रोडक्ट में 2 साल की रहे, चाहे कोई प्रोडक्ट में 5 साल की रहे, 10 साल की सर्विस फ्री कर दिया गया है कस्टमर के लिए कंपनी की तरफ से। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाए तो उसके लिए आपको सिर्फ पे करना है। दोस्तों और एक जरूरी बात, मिक्सी कौन सी मतलब कितनी वाटेज का खरीदना चाहिए, 5 से 6, 6 से 10, 12, 14 जितना भी फैमिली मेंबर है सबके लिए मसाला करने के लिए 500 वाट मोर देन इनफ है। ये है 750 वाट। आप लोगों का क्या है कि ज्यादा वाट लेने से समझ लो आप लोग यहाँ पे 1 किलो दाल इसमें आप लोग पीस रहे हो, तो अगर इसमें 500 वाट में पीसोगे तो लगेगा शायद 4 मिनट और 750 वाट में अगर पीसोगे तो लगेगा शायद 2.5 मिनट। यही है फर्क। पहले मैं इसको चलाऊंगा, उसके बाद एक एक करके जो जो जार है सबको घुमाऊंगा खाली जार। आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि खाली जार घूमने में कितना इसका जो साउंड है वो निकल के आता है। थोड़ा इस मिक्सी का जो हाइट है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट फॉर आप लोगों के नॉलेज के लिए। ये है 9 इंच, 4.5 इंच, ऑलमोस्ट 6 इंच, 10 इंच से थोड़ी सी ज्यादा 10 इंच। मिक्सी का जो वजन है वो है कितना, 1977, मतलब 2 किलो से थोड़ा कम। दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा कॉयल है, कॉपर कॉयल है या एल्युमिनियम कॉयल। ये जो पोर्शन है देखिए ये पूरा कॉपर का है। तो दोस्तों यहाँ पे चटनी जड़ है, यहाँ पे तकरीबन मैंने 50 ग्राम यहाँ पे जीरा लिया है। ये जो जीरा है ये थोड़ी सी मतलब इसको मैं थोड़ा गर्म करके ऐसे सेक लिया है ताकि इससे जो इसका डस्ट है वो डस्ट अच्छी तरह से हो, तो इसे फिलहाल करता हूँ मैं बंद। तो दोस्तों मैं कट ना करते हुए पीस के दिखाता हूँ और देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है इस जीरा को पीसने के लिए। तो थोड़ा यहाँ पे गिर गया है जीरा, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग जीरा एकदम अच्छी तरह से यहाँ पे डस्ट हो चुका है।
ये अगर आप लोग चाहो तो एक दो मिनट आप लोग ज्यादा इससे भी घुमा सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पे दाल है, तो इसे भी ना कट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा और देखते हैं कि इसमें दाल को पीसने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए दाल तो पीस चुका है, मतलब अभी इसमें थोड़ा थोड़ा दाना तो है, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो और एक दो मिनट इसको घुमा के इसका जो डस्ट है उसको और भी ज़्यादा आप लोग फाइन बना सकते हो। अभी टाइम हो चुका है कि इसमें बनाते हैं जूस। कटा हुआ गाजर है और यहाँ पे है टमाटर। ये जो अंदर का जो ये स्ट्रेनर है इसे अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोगों को गाजर को डालना पड़ेगा। इसमें देता हूँ गाजर, क्योंकि ये अगर गाजर का जूस निकाल सका, क्योंकि गाजर का जूस निकालना बहुत ही मुश्किल है। मिक्सर को पहले ऑन कर लेते हैं। ये अंदर का ये पूरा हिल क्यों रहा है, वही देखना है मुझे। क्या इसमें वो ब्लैक वाला ढक्कन बिठा के, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ब्लैक वाला ढक्कन को बिठाया नहीं। इसको बिठाने के बाद एक मिनट इसे मैं निकालता हूँ बाहर, क्योंकि ये लूज़ हो गया है, क्योंकि अंदर में ये जो कप था ना मैंने बिठाया नहीं। कप बिठा के अभी देखते हैं और इसे खाली करते हैं, नहीं तो ये स्ट्रेनर से बाहर आ गया इसका जो फाइबर है। जितना हो सके मैं यहाँ पे इसका जो फाइबर है सबको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अंदर पे दूसरे कोई फाइबर ना रहे। अभी देखिए क्या है कि इसके अंदर में ये वाला स्ट्रेनर मैंने दिया है। ये जो बचा हुआ गाजर है इसको भी इसके अंदर दे देते हैं। कब देने से क्या है कि थोड़ा शायद मुझे लग रहा है कि टाइट हो जाएगा इसका जो अंदर में स्ट्रेनर है। इसे मैं करता हूँ बंद और अभी फिलहाल घुमाते हैं इसे। तो दोस्तों यहाँ पे गाजर का जूस तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि गाजर जो है ना एकदम बीच में गाजर पूरा रह गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पैचुला से मैं थोड़ा इसको अंदर में फिर से दे देता हूँ, क्योंकि जो गाजर का फाइबर है वो चारों साइड में जार के अंदर ही रह गया है। देखिए फिर से एक ही बात, गाजर तो एकदम अंदर ही अंदर में गाजर रह गया। हो सकता है कि क्वांटिटी में कम है इसीलिए। थोड़ा इसमें पानी देके देखते हैं, देखते हैं क्या है अभी। देखिए अभी जूस तो बन रहा है, यहाँ पे देखिए जूस तो बन रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग देखो कि गाजर का जूस तो नहीं निकला है, यहाँ पे आप लोग गाजर का हलवा जरूर इसे आप बना सकते हो। जूस होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें क्वांटिटी थोड़ा कम है इसीलिए लगता है कि जूस, एक्चुअली गाजर भी हार्ड होता है ना, इसीलिए जूस थोड़ा कम निकला है। और अभी मैं आपको टमाटर की जूस निकाल के दिखाता हूँ कि कैसा जूस निकलता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के वाल में ही गाजर एकदम चिपक जा रहा है और अंदर में ब्लेड जो घूम रहा है ना वो फॉल्स में घूम रहा है। अगर गाजर ज़्यादा होता तो शायद मेरे हिसाब से जूस अच्छी तरह से यहाँ से निकल जाता। इसमें आप लोग लस्सी घोल बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। ये जस्ट फॉर मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन और आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि जूस क्या वाकई में वहाँ से स्टेन होके बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जूस तो बना है यहाँ पे, आप लोग देखो, मतलब जूस तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेनर दिया गया है स्ट्रेनर से स्टेन नहीं हो रहा है। कम क्वांटिटी के वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को स्ट्रेनर से इसको स्टेन करना पड़ेगा। दैट्स ऑल।
सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज एक लाइक कर देना। तो आफ्टर परचेज अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है इस प्रोडक्ट में, देखिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वहां पे कॉल करके आप लोग अपना जो कंप्लेन है उसको बुक करा सकते हो। वहां पे क्या है, पहले आप लोगों को पूछा जाएगा कौन सी मिक्सी है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वारंटी कार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। वारंटी कार्ड, बिल वगैरह रखना पड़ेगा, घर का एड्रेस है वो पूछा जाएगा, आपका पिन कोड वगैरह कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा। उसके बाद 24 घंटों के अंदर आप लोगों को होम सर्विस मिल जाएगा। 2 साल में कुछ पैसा नहीं लगेगा। इस मिक्सी के बारे में बता रहा हूँ, किस किस में आप लोगों को वारंटी नहीं दिया जाएगा आप थोड़ा देख लीजिए। ये जो कपलिंग रहता है, कपलिंग में आप लोगों को वारंटी नहीं दिया जाएगा। ये प्लास्टिक का सॉकेट में आप लोगों को वारंटी नहीं दिया जाएगा। अंदर में जो ब्लेड रहेगा, ब्लेड में आप लोगों को वारंटी नहीं दिया जाएगा। 2 साल तक ही आप इस स्टील बॉडी में वारंटी आप लोगों को मिलेगा। शायद कभी भी अगर ये क्रैक हो जाए तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और अगर अभी भी लगता है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए। तो इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ के रखा है, आप लोग वहां पर जाके, थोड़ा अभी प्राइस अप डाउन भी हो रहा है, वहां पर जाके आप लोग लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर चाहे आप लोग वहां पर जाके बाय भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।